नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया या भूख नहीं लगना या फिर खाने को देख करके खाने की इच्छा नहीं होना। अगर मैं लिलियंथल जी की बात करूँ तो इन्होंने लिखा है एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट दो जनरली अ मियर सिम्टम, येट इट इज समटाइम्स अ मियर डिसलाइक टू सर्टेन काइंड ऑफ नरिशमेंट विच कैन बी ट्रीटेड विथ होम्योपैथिक मेडिसिंस। उन्होंने मेडिसिंस का नाम लिखा हुआ है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे सलाड्स नहीं खाते हैं या कुछ विशेष तरह की सब्जियां नहीं खाते हैं या विशेष तरह का फूड नहीं खाते हैं। लिलियंथल जी ने भी लिखा हुआ है फॉर इंडिपेंडेंट एनोरेक्सिया, फॉर एनोरेक्सिया रिमेनिंग आफ्टर गैस्ट्रिक अफेक्शन एंड एनोरेक्सिया टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड, मतलब उसको किसी पर्टिकुलर प्रकार का फूड देख करके भूख मर जाती है, ऐसा बोलते हैं। मेनली तो जो पेरेंट्स आते हैं उनकी बहुत सारी कंप्लेन होती है कि बच्चा दिन भर में कुछ खाता ही नहीं है। हमको लगता है कि बच्चा अगर दिन भर में कुछ खाता ही नहीं है तो कैसे जिंदा है। तो जब हिस्ट्री लेने जाते हैं तो हिस्ट्री लेने में ये पता चलता है कि बच्चे को जो पसंद है वो तो वो खाता है, जैसे बिस्किट खा लेगा या चॉकलेट खा लेगा या पिज़्ज़ा बर्गर खा लेगा, जो उसको पसंद है वो खा लेता है, या भिंडी की सब्ज़ी खा लेगा या आलू की सब्ज़ी खा लेगा, बाकी बनी हुई सब्जियों को नहीं खाता है, जिसके कारण पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि उसका ग्रोथ रुक जाएगी, डेफिनेटली रुक जाएगी अगर वो नरिशमेंट वाले चीज़ें नहीं खाएगा तो उसका इम्यूनिटी वीक हो जाएगा। हेल्दी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंस है और ख़ास करके सलाड्स का, फ्रूट्स का और फाइबर जनित जो चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारा होम्योपैथिक मेडिसिंस दिया हुआ है, मैं खूब सारा होम्योपैथिक मेडिसिंस देता हूँ बच्चों को और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हुए हैं। इसमें इन्होंने तो बहुत सारी दवाइयाँ दे रखी हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिंस की बात करता हूँ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्सेनिक एल्बम, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है सीना, उसके बाद है लाइकोपोडियम, उसके बाद है सिलिशिया, देन कुछ लोग सल्फर और नक्स भी यूज़ करते हैं। तो जिस तरह की जिनको परेशानी है उस तरीके का आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिलियंथल को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी मेडिसिंस दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर टाइफाइड के बाद हो गया है तो फास्फोरस दे सकते हैं, बैप्टिशिया दे सकते हैं, अगर कुछ कारण रहा है उसके कारण हो गया है तो उसके लिए कारण के साथ में उसको मेडिसिन देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ उसको पार्टिकुलर फूड ज़बरदस्ती खिलाया हो उसके कारण उसको खाने की अरुचि हो गई, अरुचि, तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने को पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि उसको ज़बरदस्ती नहीं करें। और ऐसा कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसके साथ पीछे पीछे लगे रहते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उसको भूख खाने के प्रति अरुचि हो जाती है। तो बच्चों में टेस्ट क्रिएट करिए, उसको जिस तरीके का खाना पसंद है, अगर नमकीन खाना पसंद है तो नमकीन चीज़ें बना करके दीजिए, अगर मीठा खाना पसंद है तो स्वीटिश चीज़ें बना करके दीजिए। आप उसी प्रिपरेशन का, जैसे सूजी है, रवा है, तो रवा का आप मीठा भी बना सकती हैं, खीर बना सकती हैं, हलवा बना सकती हैं, रवा का ही आप उत्पम बना सकती हैं, या फिर रवा के और बहुत सारे चीज़ें बनती है वो बना सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए आप साबूदाना की खीर बना सकती हैं, साबूदाना की खिचड़ी बना सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि इट इज़ यू पेरेंट जिसको डिसाइड करना है कि बच्चे का टेस्ट किस तरह का है, उस टेस्ट में उसको खाने का सारा कुछ बना करके देना है। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो वो अच्छा खा सकेगा, और अगर उसके बाद भी, आपके प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो आप किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। बच्चों में खाने के प्रति अरुचि जो होती है उसके लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है तो उसके लिए कैमोमिला है, अगर सोता नहीं है या लूज़ मोशन लग जाता है उसके लिए कैमोमिला और पोडोफाइलम है। बाकी मैं हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, बडिंग डॉक्टर्स जो हैं, मैं सीनियर्स के लिए तो एडवाइस नहीं कर सकता, पर बडिंग डॉक्टर्स और हमारे जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि आप थेरापेटिक तरीके से भी आप प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं। थेरापेटिकली आप जाइए और देखिए किस तरह की मेडिसिन किस तरह के पर्टिकुलर सिम्टम्स या डिसीज़ के लिए हो सकती है।
कई बार क्या होता है कि एनोरेक्सिया को हम डिसीज़ नहीं मानते हैं, ये सिम्टम्स होता है, किसी कारण से होता है। तो हमारे पास सिम्टम्स के बेस पे ही खूब सारी अच्छी दवाइयां हैं, तो आप होम्योपैथिक दवाइयों का चयन करें सिम्टम के आधार पे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।